कुछ लोगों का पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद हो जाता है और अपनी जिंदगी में एक बड़ा समय इसी पर फोकस हो जाता है, क्या कि हे प्रभु मुझे जिंदगी में इतना ही काम दे कि जहां भी रहूं बस वहां पे आराम दे। बहुत सारे लोग जिंदगी में आराम खोजते हैं, कंफर्ट खोजते हैं, और आज बात करूंगा इसी कंफर्ट जोन की। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अगर आप भी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, आपके सामने लाया हूं ये कंफर्ट जोन के ऊपर शानदार वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि कंफर्ट जोन एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से ग्रसित आज बहुत सारे लोग हो चुके हैं। हर वो इंसान जिस काम में लगा हुआ है, अगर वो काम उसको बेहतरीन तरीके से आ जाता है तो वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करता, अपने लाइफ में कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस नहीं कर पाता। रीजन क्या है उसका? कंफर्ट जोन। क्या होता है ये कंफर्ट जोन? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंफर्ट जोन एक फिजियोलॉजी है आपके दिमाग की, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ माइंड जिसके तहत आप बंध जाते हैं। जिस प्रकार एक बॉटल ढक्कन से बंद हो जाती है, उस बॉटल के अंदर रखा गया सामान उसके अंदर पैक हो जाता है, वैसे ही आपका दिमाग, आपकी मनोस्थिति, आपकी तरक्की, आपका ग्रोथ, ये सब कुछ आपके इस कंफर्ट जोन नामक डब्बे में पैक हो जाता है, और ये डब्बा आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता, ग्रोथ नहीं करने देता। इस डब्बे को तोड़ने की बारी आ चुकी है, बाहर निकलकर दुनिया से एक बार फिर अपने से टकराने की बारी आ चुकी है। कंफर्ट जोन को तोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, एक्चुअली में किसी और से दुश्मनी लेना नहीं है, ये खुद के लिए समस्याओं को खड़ा करना हो जाता है। मतलब कि जब आप कोशिश करते हैं, जब आप प्रयत्न करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, उस समय कहीं ना कहीं आप स्वयं से लड़ाई कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में, आपके दिल में स्वयं के मनोस्थिति के प्रति एक युद्ध छिड़ा होता है, आप स्वयं से एक युद्ध कर रहे होते हैं। यही स्थिति आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती। पता है, एक इंसान जिंदगी में हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन जब उसके अपने उसके खिलाफ हो जाए या फिर वो खुद अपने खिलाफ हो जाए, उस समय ये लड़ाई भारी हो जाती है। और इसी लड़ाई को आज लड़ने के लिए कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, ताकि आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सके। सबसे पहले बात करूंगा कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं क्या क्या परेशानियां आपके जिंदगी में आ सकती हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप जिंदगी में तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते, आप नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं पा पाएंगे, आप लाइफ में आगे जब जब बढ़ने जाएंगे तब तब आपकी तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी, आप एक जगह बंद कर रह जाएंगे और नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते पर हमेशा दस्तक देंगे, लेकिन आप उनको ग्रैप नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को हाथ से टच नहीं कर पाएंगे, उनको अपने लाइफ में नहीं उतार पाएंगे, और ये आपके ग्रोथ का, आपकी तरक्की का सबसे बड़ा रुकावट हो जाता है। कहीं ना कहीं इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे आपके लिए, हम सबके लिए जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप सब भी निकलना चाहते हैं। चलिए फटाफट शुरू करता हूं, बताता हूं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, चैनल पे लाइक जरूर कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो आती है सब आपके काम की होती है। बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस, आपको लाइफ एथिक्स प्रिंसिपल, इवन दैट कुछ एक्सपर्ट्स इंटरव्यू भी आते हैं हमारे साथ। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को एक बार चेक कीजिएगा इस वीडियो के बाद, कौन कौन से टॉपिक आपके काम के हैं, कौन कौन सी चीजें आपको पसंद आती है, कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा, ताकि आपके काम की वीडियो हमेशा मैं लाता रहूं अपने इस चैनल पे। चलिए पांच पॉइंट बताऊंगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के, ये पांचों पॉइंट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो आपको A3 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। A3 फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, जब भी आप किसी नई हैबिट को इनबिल्ड करें, जब भी आप कुछ नए काम को करने के लिए अपने आप को, अपने मनोस्थिति को, अपने दिमाग को तैयार करें, तो आपको अपने लाइफ में सबसे पहले किसी भी नई आदत को डालने के लिए A3 फॉर्मूला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अलार्म एक्शन अवार्ड। ये A3 फॉर्मूला, अलार्म एक्शन अवार्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। अलार्म मतलब कि जब भी आप कोई नई हैबिट अपने जिंदगी में डालना चाह रहे हैं, जब भी आप कोई नई हैबिट की तरफ आगे अटैक करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तब आपको सबसे पहले उस हैबिट के लिए एक अलार्म सेट करना होगा। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठने की आदत डालते हैं, तो क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोन पे घड़ी में अलार्म सेट करते हैं। वैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी चीज को छोड़ना या नई चीज को अपनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका अलार्म क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि अब आपको इसको शुरू करना है, या फिर कैसे पता चलेगा कि अब इस पद्धति में आपको आगे अग्रसर और आगे बढ़ते जाना है, इसके लिए आपकी अलार्म क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मॉर्निंग में आपका मोबाइल हेल्प करता है, वैसे ही आप इस प्रोसेस के लिए भी अपने मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का आना, वॉचमैन का घंटी बजाना,
किसी न्यूज़पेपर वाले का आपका डोरबेल बजाना, कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में इस काम को करने का आपका अलार्म। फोकस ऑन योर अलार्म। सबसे पहले उस आदत को बनाने के लिए, उस आदत को बिल्ड करने के लिए अपने लाइफ में आपने अलार्म को सेट करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका एक्शन, मतलब अलार्म के बाद आपको एक्शन क्या लेना है। जैसे कि आप अलार्म सेट करते हैं कि मुझे वॉक पे जाना है, तो आपका एक्शन क्या होता है? आप उठकर फ्रेश होते हैं, उसके बाद शूज वगैरह पहनते हैं और उसके बाद वॉक करते हैं। तो एक्शन क्या लेना है आपको, मतलब कि अलार्म जैसे ही नोटिफिकेशन आया, जैसे ही आपको डोरबेल सुनाई दिया या फिर वो अलार्म आपकी लाइफ में बजा उस काम को करने के लिए, तो आप एक्शन क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। उसको भी आप परफॉर्म कर ले, उसको भी आप सेट कर ले। और लास्ट है आपका अवार्ड। अवार्ड का मतलब कोई भी काम करने में मोटिवेशन तब आता है जब उस काम के पीछे का कारण समझ में आए। मतलब अगर आज मैं आपको कहूं ये दीवार आपको गिरानी है, तो हो सकता है आपकी इच्छा ना हो कि क्यों गिराई जाए भाई, कारण क्या है, अच्छी तो दिख रही है, बढ़िया है, क्यों गिराई जाए। जैसे ही मैं आपको कहूं इस दीवार के पीछे 10 लाख रुपए है, जैसे ही आप ये दीवार तोड़ेंगे ये आपको मिल जाएगा, तो हो सकता है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो इस दीवार को तोड़ने का, राइट। तो आपका अवार्ड क्या होगा, ये आपके अलार्म और आपके एक्शन को मजबूत करेगा। लाइक आपका अलार्म आपका फोन था जिसने आपको जगाया, आपका एक्शन आपका वॉक करना था, और आपका अवार्ड हो सकता है वापस आने के बाद आपका वो नाश्ता या फिर आपका वो सॉफ्ट ड्रिंक या फिर वो आपकी स्मूदी या फिर वो आपका शेक जो आपको अवार्ड के तौर पे मिलने वाला है, जो आपको बहुत पसंद है। ये आपके अलार्म को और आपके एक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है अगर आप अपने लाइफ में उस आइस को ब्रेक करना चाहते हैं, अपने उस प्रोसेस को ब्रेक करना चाहते हैं जिसको आप हैबिट बना चुके हैं, जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही या कुछ नया आप ट्राई करना चाह रहे अपने लाइफ में। ये प्रोसेस आप अपनाइए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा पॉइंट होगा टेक अ स्मॉल स्टेप। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना होगा कि आपको अपने लाइफ में अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, कुछ नई चीजें अडॉप्ट करने के लिए छोटे-छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे कि बताता हूं, आज से 6 साल पहले तक अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देने की बात करता या फिर आपके सामने वीडियो लाने की बात करता, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे भी स्टेज फियर था। इवन दैट आप लोगों से कैमरे में बात करने में भी बहुत फियर था। इवन दैट आप मेरे इस वीडियो के सीरीज के सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं और आज मुझे देख सकते हैं। रीजन क्या था, मेरा छोटा छोटा लिया गया स्टेप और आपका दिया गया छोटा छोटा मुझे रिवॉर्ड। मतलब कि जब भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, मतलब कि आप 8 बजे उठने वाले पर्सन, अगर कल से आप 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाएंगे तो हो सकता है आपके बड़ी भारी पड़ जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी आप। तो 8 बजने से आपको क्या करना होगा, 7 बजे उठने की प्रैक्टिस करनी होगी। 7 से 6 पे जाइए, 6 से 5 पे जाइए, डेफिनेटली आप 4 को अचीव कर पाएंगे। ये छोटा छोटा स्टेप आपके काम को इजी बनाता है, आपके माइंड पे एक प्रेशर नहीं क्रिएट करता और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने गोल अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, चेंज योरसेल्फ एंड चेंज योर रूटीन। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रूटीन को कई बार बदलिए। जो आपका डेली लाइफ रूटीन है, जो आपकी चीजें हैं, उसको चेंज करिए। बहुत सारे बिजनेसमैन का डेली रूटीन हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और वापस रात को 9 बजे घर आना है। कहीं ना कहीं वो अपने पूरे दिन को अपने ऑफिस में लगाते हैं। एक दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दीजिए कि आज 12 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज हाफ डे में ऑफिस जाऊंगा, हाफ डे से पहले मैं घर से ऑफिस ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा, देखता हूं काम कैसा चलता है। तो जब आप अपने रूटीन को चेंज करते हैं, जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, डेफिनेटली आप बहुत कम समय में एक बड़े बदलाव को अपने लाइफ में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपको छोटे छोटे फियर्स को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा। मतलब आपका फियर क्या है, 4 लोगों से बात करना, एक बार करके देखिए। आपका फियर क्या है, अपने प्रोडक्ट को रोड में ले जाकर बेचना, एक बार करके देखिए। छोटे छोटे फियर्स को जब आप विन करते जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को जब आप विन करते जाएंगे, डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। मतलब आपका फियर है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूं, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो मत बनाइए, लेकिन अपने लिए 2-4 छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, 1 मिनट 30 सेकंड 10 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड कीजिए अपने लिए, क्योंकि आप खुद को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गड़बड़ी कहां हो रही है। उसके बाद फिर आप एक बाउंस बैक लीजिए, एक जंप लीजिए और वीडियो पे आ जाइए। ऐसे जब आप अपने छोटे छोटे फियर्स को सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा डर आपको खत्म करना है, कौन कौन सी चीजों पे आपको विजय प्राप्त करनी है, तो डेफिनेटली आप इस काम को बड़े आराम से कर पाएंगे, राइट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और लास्ट पॉइंट है कि आपको एक्सप्लोर करना होगा। जब भी हम किसी चीज को करने के लिए जाते हैं, जब भी हम किसी फियर पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो अक्सर हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि उस फियर से ओवरकम कैसे करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, या फिर उस चीज पे विजय कैसे प्राप्त करनी है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। मतलब क्या है कि
आपको थोड़े से रियल पर्सन की स्टोरी पढ़नी होगी, समझनी होगी कि किसके पास ऐसे फियर्स थे और किसने ऐसे डर से बाहर निकाला खुद को, कैसे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। ऐसे कुछ रियल स्टोरीज को आपको स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रियलिस्टिक चीजों पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ अनजान लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। जब आप दुनिया खोजने निकलते हैं तो दुनिया आपको अपनाने निकलती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अपनाए तो सबसे पहले आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लोगों को अपना बनाना पड़ेगा, राइट। आप अगर हाथ फैलाएंगे नहीं तो लोग आपसे हाथ मिलाएंगे नहीं, आपको थोड़ा सा उनसे हाथ फैलाकर उनके पास जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हर व्यक्ति आपका तहे दिल से स्वागत करेगा, आपको गले लगाकर आपके इस आगमन को स्वीकार करेगा। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा। ये पांचों काम जो मैंने बताए अगर आपने कर लिए, आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे और हर वो चीज जिसमें आपको डर लगता है, जो आप करने में झिझकते हैं, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा मैं जल्द कुछ और नए मुद्दों के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हर वो व्यक्ति जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। जय।